आपको इस वीडियो में विटामिन ई कैप्सूल के बारे में बताएंगे, जिसका यूज करके आप हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, डेंड्रफ को कम कर सकते हैं और हेयर के कई डिसीज को कम कर सकते हैं और स्किन को ग्रो कर सकते हैं और फेस में पिंपल्स है उसको भी कम कर सकते हैं और आंखों के नीचे डार्कपन हो तो उसको भी कम कर सकते हैं, आंखों के नीचे झुर्रियां आ गई उसको भी कम कर सकते हैं, फटे हुए होठों को मुलायम बना सकते हैं। ऐसे विटामिन ई कैप्सूल के कई यूज हैं, इसलिए इस वीडियो में विटामिन ई कैप्सूल के यूज के बारे में बताएंगे और विटामिन ई कैप्सूल को किस टाइप से या किस टेक्निक से यूज करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। ये वीडियो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। विटामिन ई कैप्सूल को हम अलग अलग बॉडी पार्ट में यूज करते हैं, जैसे कि हेयर के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए, आंखों के लिए, लिप्स के लिए, डार्क फेस के लिए को कम करने के लिए, इन सब बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग टेक्निक का यूज करते हैं। विटामिन ई कैप्सूल के यूज के लिए आपको एक एक करके हर टेक्निक के बारे में इस वीडियो में बताते हैं। फर्स्ट है हेयर। विटामिन ई कैप्सूल का उपयोग करके हेयर के ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, हेयर के झड़ना, बालों का झड़ना को कम कर सकते हैं और डेंड्रफ को भी कम कर सकते हैं और बालों के सफेद होने की टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं या सफेद होने को रोक सकते हैं। विटामिन ई कैप्सूल को हेयर में यूज करने के टेक्निक के बारे में बताते हैं। आप जिस ऑयल का हेयर के लिए यूज करते हैं उसी ऑयल के साथ विटामिन ई के एक कैप्सूल को मिक्स करके सुबह शाम लगाएं। सेकेंड टेक्निक, आप अपने शैम्पू या कंडीशनर के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं, 7 दिन के बाद आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा इसका। सेकेंड, स्किन। विटामिन ई कैप्सूल का यूज स्किन फेस के लिए बहुत अधिक यूज किया जाता है, क्योंकि हर किसी को ग्लो फेस पसंद है। फेस में झुर्रियां पड़ना, फेस में पिंपल्स हो, इन चीजों को कम करता है विटामिन ई कैप्सूल का यूज करने से पहले अपने फेस क्लीन कर लें। आपको एक प्लेट लेना है, उसमें 2 कैप्सूल विटामिन ई कैप्सूल 2 लेना है और कोकोनट ऑयल को मिक्स करना है दोनों को और उसके बाद अपने फेस में उसको लगाना है। इस टेक्निक का यूज आप रात में सोने के टाइम करें, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। विटामिन ई कैप्सूल का यूज आजकल पार्लरों में भी किया जा रहा है, क्योंकि स्किन को ग्लो करने के लिए, हेयर को के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए विटामिन ई कैप्सूल का बहुत अधिक यूज होता है। ये वीडियो आप सबको नॉलेजेबल लग रही हो तो ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थर्ड है लिप्स या ओठों के लिए विटामिन ई कैप्सूल का यूज। फटे हुए होठों के लिए मुलायम बनाने के लिए भी यूज किया जाता है और लिप्स का रंग काला या डार्क हो जब भी इस कैप्सूल का यूज करते हैं। इसके यूज करने के टेक्निक के बारे में बताते हैं। विटामिन ई कैप्सूल को डायरेक्टली एक कैप्सूल लेकर अपने लिप्स में उसके ऑयल को लगा, या सेकेंड विटामिन ई कैप्सूल को एक चम्मच में निकाले उसके ऑयल को और उसके साथ बादाम ऑयल को मिक्स करके अपने होठों में लगा सकते, भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। फोर्थ है आंखों के लिए। डार्कनेस और आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ना, आंखों की रोशनी बढ़ाना के लिए विटामिन ई कैप्सूल का यूज करते हैं। इसके टेक्निक के बारे में बता। विटामिन ई कैप्सूल को बादाम ऑयल के साथ मिक्स करके अपने आंखों के नीचे लगा सकते हैं, से आपके आंखों के नीचे के डार्कपन, झुर्रियां पड़ना वो भी कम हो जाएगा और आंखों की रोशनी बढ़ सकती है। आप लगातार इसे 7 दिन तक के। फिफ्थ है नाखूनों के लिए। विटामिन ई कैप्सूल का यूज नाखूनों को सुंदर रखने के लिए या बढ़ाने के लिए, नाखूनों के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, या कभी कभी नाखून जल्दी टूट जाता है उसको नाखूनों के मजबूत करने के लिए भी यूज किया जाता है, को यूज करने के टेक्निक के बारे में बता। विटामिन ई कैप्सूल को बादाम ऑयल के साथ मिक्स करके नाखूनों में ढंग से लगाया जाता है सुबह शाम। 6th नंबर है फटी हुई एड़ियों के लिए भी यूज किया जाता है। विटामिन ई कैप्सूल का यूज फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत अधिक यूज किया जाता है। इसके टेक्निक, यूज करने के टेक्निक के बारे में बता। आप बादाम ऑयल के साथ मिक्स कर सकते हो विटामिन ई कैप्सूल को, या कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके अपने फटी हुई एड़ी के एड़ियों पर लगा सकते हैं, इससे आपकी फटी हुई एड़ियां बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आपको अपने बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए बेस्ट रिजल्ट चाहिए हो तो विटामिन ई कैप्सूल को डायरेक्टली फिजिकली 2 दिन में एक कैप्सूल खाना चाहिए। विश फॉर द गुड हेल्थ। थैंक यू माई फ्रेंड।